Hey guys, welcome back to my channel everyone. This is Ankita and you're watching Scoot with Anku. अभी हम हैं लेह में और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं लेह के मॉल रोड में. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. ये हमारे होटल के ओनर हैं और अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं मॉल रोड. तो पहले मैं आपको यहाँ का होटल दिखाती हूँ कैसा है. मैं आजकल आपको बाहर से होटल दिखा रही हूँ कैसा है, बिकॉज अंदर का मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि आप लोगों का रूम में बहुत पसारा रहता है. इसलिए तो मैं आपको बाहर से दिखा दूंगी ये वाला होटल कैसा है. होटल का नाम क्या है? आमा पद्मा ऐसा कुछ. आमा पद्मा इन लेह सिटी. तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो. बहुत ही गुड मॉर्निंग. ये हमारे एक और को राइडर, नाम बता दो. माय नेम इज मुजम्मिल अंसारी. तो ये चला रहे BMW. सो ये है हमारा पार्किंग एरिया. यहाँ पे सबके बाइक्स पार्क है और ये पूरा होटल है हमारा. नीचे भी काफी रूम है, ऊपर भी काफी रूम है और यहाँ पे है कॉमन गैलरी. तो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो. तो अभी निकलते हैं हम लेह की तरफ, लेह मॉल रोड. अभी हमने हमारी स्कूटर से हम जा रहे हैं, चलना बहुत पड़ता है यहाँ पे. सारे पहाड़ जैसे रास्ते हैं इसलिए. सुबह का नाश्ता, तो अभी हमने सुबह का नाश्ता मंगाया है, समोसा सैंडविच और चाय, और इनका आ रहा है आलू पराठा. तो फटाफट इसे खा लेते हैं और निकलते हैं आगे. थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, स्कूटर धुलानी है और कुछ मार्केट में एक्सप्लोर करेंगे, वो आगे आपको बता दूंगी. सो गाइस, हम लोग रूम में आने के बाद हम वापस निकल रहे हैं हमारे ग्रुप के साथ बाहर. तो देखते हैं अभी कहाँ कहाँ जाने का प्लान बनता है. वैसे तो हमें कुछ पता नहीं है. वैसे हम सुबह घूम के तो आ गए, बट सुबह मार्केट भी पूरा खुला नहीं था इसलिए कुछ समझ में नहीं आया क्या करें. तो अभी खुला है पूरा मौसम, पूरा देखो पूरा धूप आ चुकी है तो थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है. और सामने वो देखिएगा, इस पूरा माउंटेन्स दिख रहे हैं, पूरे उसके ऊपर स्नो लग रहा, मतलब स्नो कैप माउंटेन्स है और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है अभी. तो गाइज, अभी मैंने अपनी स्कूटर को वॉश करने लाया बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मिट्टी से भरी हुई थी और बहुत रफ थोड़ी चल रही थी. तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा वॉश करा लेते ताकि थोड़ी स्मूथ चल जाए और थोड़ी अच्छी भी दिखे. फिलहाल से वाटर वॉश कर रही हूँ मैं. तो गाइज, अभी हमने हमारी स्कूटर जो है वॉश की, पर अभी वो चालू नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ ठंड. उसकी शायद ना स्पार्क प्लग में थोड़ा पानी चला गया, बहुत कीचड़ से भर गई थी इसलिए मैंने धुला दिया. वो थोड़ी शायद गलती हो गई मेरी, ऐसे लेके जाना चाहिए था. पर देखते हैं, अभी हम लोग रुके कब से, 10-15 मिनट से हम लोग ट्राई कर रहे बट स्टार्ट नहीं हो रही है. लेट्स सी, थोड़ा पानी सूखेगा तो स्टार्ट हो ही जाएगी. वैसे भी नीचे आ रही मेरी स्कूटर और अभी ऊपर मौसम धीरे धीरे ख़राब हो रहा है. एक जो क्लाउड है बारिश वाला घूम रहा है बट आजू बाजू क्लियर स्काई है तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. यहाँ आके चला जाएगा ये क्लाउड. वो क्लाउड पहले वहाँ था, फिर वो उधर से घूम घूम के यहाँ पहुँचा है, वो अभी आगे चला जाएगा. और हाँ, हम लोग पहले पहुँच गए, ग्रुप पे लोकेशन डाला है. बोलना सी आएगा पहले सी है. तो गाइस, अभी हम आए हैं शेह पैलेस और ये लेह सिटी से कुछ 13 किलोमीटर पे है. तो ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये है शेह पैलेस और ये पूरा यहाँ से पहाड़ों का नज़ारा है, बर्फीले पहाड़ों का. तो अभी हम चलते हैं ऊपर और देखते हैं पैलेस कैसा दिखता है अंदर से. सो ये यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते जाना है ऊपर. हाँ, ये देखिए पूरा वुडन का बना हुआ है और दिस इज द मेन एंट्रेंस. मेरे को बनना दो. वाह,
यहाँ से भी क्या सुंदर व्यू है। ये जो पैलेस है बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है यहाँ से, बिकॉज ये पूरा व्हाइट बना है और उसके आजू बाजू के जो बिल्डिंग्स है ना पूरे ब्राउनिश कलर के हैं। और ये ना यहाँ पे ले में आने के बाद है ना थोड़ा ये चीज हमने महसूस की कि मेरा ना कल रात मतलब कल शाम से ना मेरा ये जो सर है ना बहुत ज्यादा दुख रहा था इतने पार्ट में। और फिर हमने एक फिर जो हमारे साथ जो कैप्टन है मतलब लीडर जो है हमारा, उन्होंने मुझे एक दवाई दी तो मेरा सर दुखना बंद हो गया। और सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है, मतलब बहुत ज़रा भी दो चार भी सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे ना बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है। तो ये दिक्कत अभी आना महसूस हो चुकी है। तो अभी कल हम जाने वाले खारदुंगला पास, तो उससे पहले मुझे एक दवाई खानी है। इसे घुमाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि बहुत लोग के वीडियो में देखा था ना, तो इसलिए तो ये एक्चुअली इसे घुमाना बहुत अच्छा माना जाता है इसलिए इसमें। सो गाइस अभी हम आए मतलब मैं आई हूँ यहाँ पे लद्दाख के पानी पूरी टेस्ट करने। कैसा टेस्ट मिक्स है ना कैसा है? ना बोल रहा था देने के लिए बहुत आनंद है। ये देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है मुंबई से, बहुत ज्यादा। टेस्ट कैसा है? गाइस अभी हम जा रहे हैं रेंचो स्कूल, जो कि 3 डेज में आपने देखा ही होगा। लेट्स गो। सो यहाँ का एंट्रेंस तो काफी सुंदर है, लेट्स गो इन। वाओ, मुझे ना ऐसे रोड बहुत ज्यादा पसंद है, मतलब आजू बाजू पूरा मतलब प्लांट्स रहने चाहिए। और वहाँ देखो कुछ बच्चे, वहाँ देखो। सो देखिए अंदर कुछ ऐसा नजारा है ये। 1, 2, 3। अभी हम आए हैं लेह पैलेस घूमने के लिए, जो कि यहाँ का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। और यहाँ से पूरा लेह सिटी दिखता है। पूरा ये इनका मंदिर जैसा कुछ है, होली श्रेन। वाह, ये इनके भगवान है शायद, भगवान है इनके। और यहाँ ऐसे बीच बीच में ना ऐसे कॉरिडोर है। चलो ये रूम है लगता है, फोटो एग्जीबिशन। अभी हम आ चुके हैं ले पैलेस के टेरेस पे, जहाँ से पूरा चारों बाजू सब कुछ दिखाई देता है। वो सामने रहा पार्किंग एरिया, ये नीचे एंट्रेंस है। ये पूरा ले सिटी, चारों बाजू से पूरे पहाड़। सो गाइस अभी हम आए हैं शांति स्तूपा। वाह यार क्या व्यू है यहाँ से, एक नंबर। अंदर जाने के लिए आपको चप्पल पूरी बाहर निकालनी पड़ती है। वाओ तो गाइस वो सामने आपको जो वो जो जो लाइन दिखाई दे रही है पतली सी ब्लैक, अरे फोकस हो जा। हाँ जो लाइन दिखाई दे रही है ना पतली सी ब्लैक ऐसी जा रही है, बस उसी पे हमें कल चढ़ाना है। और पूरा बर्फीले पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, उसी के ऊपर से जाके हमें खारदुंगला पास जाना है। ओह गॉड, पूरा बर्फ से ढका है भाई वो तो। यहाँ पे ना बस एक ही प्रॉब्लम है कि सांस बहुत ज्यादा फूलती है, मतलब बहुत मतलब हद से ज्यादा। मैं आई हूँ
ले मार्केट में जो कि बहुत ही मतलब फेमस है, आपको मतलब जो भी कुछ सामान चाहिए ले के रिलेटेड या फिर कुछ भी, सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ का भाई माहौल ही अलग है एकदम, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, बहुत पॉजिटिव और एकदम अच्छी वाइब्स आ रही है। बिकॉज ना कुछ कैफेज में ना एकदम लाइव म्यूजिक चल रही है, इस वजह से ना बहुत अच्छी वाइब्स यहाँ पे आ रही है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अभी रात होते होते ना यहाँ पे लाइट जल जाएगी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगा। गाइस मैंने ये कुछ फ्रिज मैग्नेट लिए है लद्दाख के, ये देखिए, बिकॉज आई एम अ राइडर, सो ये स्कूटर राइडर तो नहीं मिला बट बाइक राइडर तो मिल गया, कभी ना कभी तो हम भी बाइक चलाएंगे यार। आइसक्रीम कैसे खा लेते हो यार? हाँ आइसक्रीम कैसे खा लेते हो? ठंड में आइसक्रीम लग जाएगी। इतना क्यूट है ये, जगह जितना प्यार से मुझे जगह बैठ ही जाते हो, देखो ना कितने समझदार बच्चे यार। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल हियर। आई होप आपको लेह वाला जो सिटी का जो मैंने टूर कराया वो आपको पसंद आया होगा। और कल हम जाने वाले हैं खारदुंगला, और खारदुंगला से कल हमारा स्टे शायद दिस्कित में होने वाला है। सो लेट सी, कल खारदुंगला तो फिक्स है, उसके बाद कहाँ जाएंगे वो देखते हैं आगे। तो इस ब्लॉग को यही पेंड करते हैं। बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट।